और एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल सुबह से सड़क पर उतरेगी दिल्ली सरकार, सभी मंत्रियों को अलग अलग एरिया की जिम्मेदारी दे दी गई है। कल सुबह 6 बजे से पूरी दिल्ली का निरीक्षण किया जाएगा, दिल्ली की सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को सभी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अलग अलग हलकों में जाकर खुद को हरियाणा का बताते हुए वायदे कर रहे हैं, बकाया बिजली बिल हम माफ कर देंगे, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सरकार हमसे कामों में मुकाबला करे, लेकिन सरकार हमारे पीछे पड़ी है। उधर आतिशी ने कहा कि कल से सभी मंत्री सड़कों पर उतरेंगे, दिल्ली को जांचेंगे, परखेंगे, सड़कों की हालत का अनुभव करेंगे। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों का इंस्पेक्शन करेंगे, विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सीएंस, एईज और जेईज। अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा। जैसे ही ये इंस्पेक्शन खत्म होगा, तुरंत ही अगले हफ्ते से सारी सड़कों के रिपेयर का काम युद्ध स्तर पर होगा। अक्टूबर के महीने में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों को रिपेयर करने का टारगेट पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से गड्ढे हुए हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, अलग अलग यूटिलिटीज़ ने अपना काम किया है, वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेयर नहीं किया है। तो आज दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। फ्राइडे को असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ने ये पत्र मुझे दिया और सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि युद्ध स्तर पर दिल्ली की सड़कों को ठीक करने का काम किया जाए। आज दिल्ली सचिवालय में एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई और जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग मौजूद रहा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का, कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं जिनका पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके कुछ हिस्से टूटे हुए हैं जहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर सड़क का पुनर्निर्माण करना है, और कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको भरने की ज़रूरत है। तो एक घंटे की बैठक में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का हुआ। ना सिर्फ इतना, दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट कल से दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा। सब मंत्रियों ने और मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है, जहां पर हम खुद ग्राउंड पर जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और किस सड़क पर किस काम की ज़रूरत है, क्या सड़क फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्या कुछ ही हिस्से टूटे हुए हैं, क्या सिर्फ पॉट होल्स हैं, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो मैंने बतौर मुख्यमंत्री साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, कैलाश गहलोत जी ने वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, इमरान हुसैन जी ने सेंट्रल और न्यू दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, मुकेश अहलावत जी ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। और अब बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर भाषण